बारिश का कहर थमने के बाद भी लोगों की परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार की बारिश ने प्रदेश भर में भारी तबाही मचाई है। कई सड़कें, भवन, घर और लोगों की निजी जमीन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण लोग बेघर हो गए हैं और उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं बचा। सराज के कुकलाह गांव की बात करें तो यहां ग्रामीणों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रभावितों का कहना है कि फौरी राहत के नाम पर उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर मात्र 5,000 की राशि दी है। लोगों का कहना है कि एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिल पाई है। उनसे ऐसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जो घर के साथ ही दब गए हैं, अब उन्हें कहां से लेकर आए। फौरी राहत हमें 5,000 रुपए मिली, जो पंडो में सर बाढ़ आई थी, आज से मतलब जो पहले बाढ़ आई 9 तारीख को बाढ़ आई थी पंडो में, उनको ऐसे ही रेत रात पानी पुनी अंदर घुसा और उनको 1,00,000 रुपए फौरी राहत तुरंत दी गई उनके हाथों में। जब हमारी बारी आई गांव वालों की तो गांव वालों को 5,000 रुपए वो भी हमें मतलब 1 हफ्ते के बाद मिला, जो हमने प्रशासन पे जोर डाला, मतलब कट्टे हुए लोग, पत्रकार मंगाए, कोई ऐसे न्यूज लगवाई, तब देके 5,000 रुपए हमें दिया, अदरवाइज हमें कुछ नहीं दिया। क्या क्या फॉर्मेलिटीज बता रहे हैं? फॉर्मेलिटी सर अभी जो आगे के लिए हम ले रहे हैं, जैसे फौरी राहत के लिए मकान के लिए कुछ कर रहे हैं, फॉर्मेलिटियाँ मांग रहे हैं, तो फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं हो रही हमारे से अभी तक। फॉर्मेलिटी इतनी मांग रहे हैं, कभी गाय का टैग लाओ जी, कभी आधार कार्ड लाओ, कभी कुछ बैंक की कॉपी लाओ। सर वो तो सब कुछ बह गया, हमने कहाँ से लानी हो बैंक की कॉपी वगैरह, तो फॉर्मेलिटी उनसे पूरी नहीं हमारी हो रही। प्रधान से लिख के लाओ जी, मलकीत में घर की बादी जगह में घर है, तो अब फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं हो रही। अब तो बहुत जल्दी हो जाए, तो फॉर्मेलिटी के लिए हम यही चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी थोड़ी कम की जाए, कि सरकार थोड़ी जल्दी करे। हमारे पास एक तो पैसे नहीं है, एक तो रहने के लिए नहीं है, समस्या रहने की, सबसे पहले खाने की समस्या। 5,000 दिए, उसको फॉर्मेलिटी के लिए लगाया हम, या खाने के लिए करें, या बच्चों के लिए करें, कि पहनने के लिए करें। सर हमारे तो सिर्फ अंग के कपड़े रह गए हैं, बाकी सारा कुछ खत्म हो गया है। यहाँ प्रशासन की ओर से तिरपाल मिला है और कुछ राशन पानी भी मिला है। उस दिन प्रशासन वाले भी आए, मौका मौका करके चले गए, ना कोई फौरी राहत दी ना कुछ दी। जब हम लोगों ने कुछ बोला तब जाके 5-6 दिन के बाद हमको सिर्फ 5,000 रुपये वो फौरी राहत के रूप में दिया गया। बता दें कि बीते दिनों आई आपदा में कुकलाह गांव में 12 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे, सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में तंबू बनाकर वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। अब रहने का कुछ भी नहीं है, कहाँ रहेंगे हम, छोटे छोटे बच्चे है, वो बोलते हम क्या रहना मजीद बाहर, कैसे रहेंगे हम बाहर, बोले पूरा दिन दिसया कर हम, बोले कैसे सोएंगे हम, बोले अब तक कुछ नहीं रहा हमको, कहाँ जाएंगे हम, दो तरपाला दे रही छोटी छोटी, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, अभी दिया नहीं कुछ भी। अब देखो क्या सोच दे हमारे बारे, कुछ क्या करना, बच्चे कहाँ आने छोटे छोटे, अब कहाँ जाएंगे हम। अभी तो हमारे को कुछ नहीं मिला जी, हाँ खाना खुना दे रहे थे, खाना खुना दिया कुछ, कल चावल वगैरह कुछ ऐसा वगैरह दे, दालिया वगैरह दे दी, बाकी ने भी कोई मदद मिली है कुछ नहीं। फिलहाल कहाँ रह रहे हैं आप? अब टेंट में, अच्छा साढ़े घर गुरु रणपुर, ठीक है ऐसा है। अब सरकार से हम चाहते हैं, सरकार हमारे को कोई मदद करो, जब वो तो होगा, नहीं करो तो यही जीना की आई सबी बाल बच्चे होगी, ये तो मुश्किल है। मैं स्थानीय वार्ड सदस्य पद्मा देवी ने बताया कि प्रभावितों को मात्र 5,000 की फौरी राहत दी गई है, जो किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। लोग रह रहे सर टेंट में, कोई प्रशासन वाले दे रहे, कोई रेशन पंचायत वालों ने दे दिया, तरपाले दे दी और कुछ दे दिया, रेशन भी और कम्बल कुम्बल भी दे दी, और पैसे दिए इनको 5,000 और कुछ नहीं दिए, क्योंकि सरकार ने 5,000 दिए तो हम लोगों ने कहाँ से दिया सर, 5,000 दिए और नहीं कुछ दिया, सबके लिए दे दिया 5,000 दिए, जिनके मकान खत्म हो गए उनको दिया 5,000। सर कहाँ हो जाएगा और मदद होनी चाहिए, कहाँ होगा 5,000 से, क्या करना इन लोगों ने सर, खाने के लिए लेना रेशन की, या अपने बच्चों के लिए की कपड़े लेने, क्या लेना, 5,000 से तो कुछ नहीं होगा सर, तो सरकार से मदद ऐसे थी कि इन लोगों को मिलना चाहिए थी कुछ, और रेशन रूस तो मिल रहा सर, और सामान भी मिलना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।